कुर्ती बनाना। इसमें वैसे तो दो कुर्तियाँ अलग अलग कटती है, एक सिंपल कुर्ती कटती है और एक ए लाइन की कुर्ती की कटिंग होती है। आज मैं आपको अलग तरह की बनाना जा रही हूँ, उसमें मैं दोनों कुर्तियों को साथ में ज्वाइन करके और उसमें साइड में लूप लगाकर बताऊंगी। मैं आपको फिर कभी वो वाली कुर्ती भी बनाना ज़रूर बताऊंगी। तो आज जो हम कुर्ती बनाने जा रहे हैं, ये मेरे पास लेलिन क्लॉथ है, लेलिन कॉटन लेलिन है, इसको लीलन भी बोलते हैं बहुत से लोग। और एक होता है शर्ट का लेलिन, वो थोड़ा अलग होता है, ये कॉटन लेलिन है। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। मेरे पास ये बॉर्डर वाला पीस है, इस बॉर्डर को मैं नीचे रखूंगी। सबसे पहले हम लंबाई लेंगे, हमें लंबाई चाहिए 44 इंच, तो ये हमारे पास है 45 1/2 इंच, तो ये हमारे लिए सफिशियंट है, मतलब इतनी ही हमें ज़रूरत है। हम 1.5 इंच प्लस करते हैं लंबाई में, तो ये हमारा बिल्कुल उतना है। अब हम फ्रंट पार्ट की चौड़ाई निकालेंगे, तो चौड़ाई निकालने का तरीका ये है कि आप सीट गोलाई का हाफ कर लीजिए, जैसे कि इसमें हमारे पास है सीट गोलाई 42 इंच, 42 इंच हमारे पास सीट गोलाई, सीट गोलाई यानी हिप मेजरमेंट, तो ये 42 इंच का आप हाफ कर लीजिए, तो आता है हमारे पास 21 इंच। हम इतना ही चौड़ा इस कपड़े को यहाँ से ले लेंगे, हम कपड़े को उल्टा कर लेंगे, उल्टी साइड हम ड्रॉ करेंगे। अब हम यहाँ से 21 इंच पे मार्क लगा देंगे। इस कपड़े को यहाँ तक डबल फोल्ड कर लेंगे। और हम इधर से भी देख लेंगे 11 इंच है, और इधर से भी देख लेंगे 11 इंच होना चाहिए। हमारा नाप तो 21 आया, तो 10.5 होना चाहिए, लेकिन हम 1/2 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो 11 इंच इधर से और 11 इंच इधर से। अब हम इस कपड़े को ऐसे कट कर लेंगे। अब हम यहाँ से अपने कुर्ते का नाप निशान लगाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम लेंगे तख्ती का हाफ, तख्ती जो है हमारे पास नाप है उसका 13 इंच, तो 13 इंच का हाफ हम लेंगे, तो 6.5 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद हमारा आर्मोल का जो स्टैंडर्ड साइज है हम वही रखेंगे 7.5 इंच। इसके बाद हम सीने का चौथा हिस्सा लेंगे, 42 इंच हमारे पास सीने का नाप है 42, तो उसका हम 4 बार ऐसे फोल्ड करके इंची टेप को चौथा हिस्सा निकालेंगे, तो 10.5 इंच आएगा। तो हम यहाँ से 10.5 ही लेंगे, उसमें प्लस 2 नहीं करेंगे। इसका रीज़न ये है कि मैं अभी इसमें साइड में ही कलियों को ज्वाइंट करूँगी। अब हम कमर लंबाई ले लेंगे 15 इंच, हमारी कमर लंबाई 15 इंच है, और यहाँ हम लेंगे कमर गोलाई का चौथा हिस्सा। कमर गोलाई हमारे पास है 36 इंच, 36 इंच, 36 इंच का चौथा हिस्सा हम करेंगे, तो आता है 9 इंच, तो हम यहाँ से लेंगे 9 इंच। एक बार हम अपनी कुर्ते को पहले सिंपल ड्रॉ कर लेंगे। इसके बाद हम सीट लेंथ लेंगे 21 इंच, और सीट लंबाई लेंगे 21 इंच, सीट लंबाई हम लेंगे 21 इंच। इसके बाद हम यहाँ पर बस ये पूरा है एज इट इज रहने दें। अब हम एक सीधे स्केल से इनके मार्क करेंगे। हम हमेशा कर्व वाले स्केल से करते हैं, लेकिन इस वाले में हम सीधे स्केल से मार्क करेंगे, उसकी वजह मैं बताती हूँ आपको। और यहाँ से भी हम ऐसे मार्क कर लेंगे। अब हम यहाँ से 1 इंच बाहर की तरफ लेंगे और यहाँ इसको ऐसे स्लांट मिला लेंगे, इस निशान पर तिरछा मिला लेंगे। यहाँ से हम 1.5 इंच लेंगे, फिर उस 1.5 इंच का जो निशान आया उसके बाद से हम 1 इंच लेंगे, और हम यहाँ से ही इनको ऐसे मिला देंगे। एक निशान हमारा अंदर वाली लाइन की तरफ होगा
और ये वाला निशान हमारा बाहर वाली लाइन की तरफ होगा। गले की चौड़ाई का स्टैंडर्ड साइज मेरे पास 2.5 इंच है और हम राउंड नेक बना रहे हैं। गले की लंबाई हमारे पास 7 इंच है। गले की लंबाई और चौड़ाई आप अपनी चॉइस से कम ज्यादा कर सकते हैं। पीछे का नेक हमारा 3.5 इंच है। अब हम यहाँ पर साइड में अपनी कलियों को लगाएंगे। तो ये मेरे पास कपड़ा है, ये भी लेगिंग है, इसको हम यहाँ साइड में रखेंगे और अब हम इन सारे मार्क्स को ऐसे सिंथे स्केल से सिंपल मिला लेंगे। यहाँ से ये कमर के नाप के बराबर हमारा ये नाप आ जाएगा। ये देखिए, और यहाँ से थोड़ा सा सीन गोलाई से थोड़ा नीचे होते हुए यहाँ चला जाए। हम इसकी कटिंग कर लेंगे बाहर वाले आर्म होल की और यहां से भी इसको ऐसे कट कर लेंगे। अब हम इसमें ये वाले पार्ट को ऐड करेंगे, जॉइंट करेंगे। तो हमारा यहां से ये जॉइंट होगा। इसको जॉइंट करने के लिए हमने इस पार्ट को स्ट्रेट किया, सीधा किया है। इस कपड़े को हम अपनी लंबाई के बराबर यहाँ तक बराबर से लगा लेंगे। ये देखिए, अब हम इसमें इस तरह से यहाँ पर कलियाँ जॉइंट करेंगे। तो अब हमें कलियाँ कितनी ज़रूरत है, हमें सीने का चौथा प्लस 2 ज़रूरत है। सीने का नाप हमारे पास था 10.5 इंच, तो हमें प्लस चाहिए। सीने का चौथा ऐसा हमने लिया था 10.5 इंच, उसमें हमें प्लस 2 करना है 12.5, और इसमें हमें 0.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई का रखना है। तो हम आपस में इन दोनों को जब आप जोड़ेंगे तो आपको थोड़ा एक्स्ट्रा रखना है सिलाई के लिए, तो आप 13.5 इंच रख लीजिए यहाँ से। इसके बाद ही हमारी कमर का नाप आता है, यहाँ पर भी आप निशान लगा लीजिए। हमारे जो कमर का नाप था वो 36 इंच था, 36 इंच उसका चौथा हमने लिया था 9 इंच, उसमें भी हमें 2 प्लस करना है अब, तो हम 11 इंच लेंगे और सिलाई का और करके 12 इंच हम यहाँ से ले लेंगे। इसके बाद हम यहाँ से कितनी चौड़ाई लें, इसका तरीका ये है कि आपका जो डबल अर्स का कपड़ा होता है उसका पन्ना होता है 42, तो उसका आप हाफ ले लीजिए। 42 का हाफ हमें लेना है ताकि आपका टोटल गैप 42 इंच हो जाए। तो ये 42 का हाफ हमें यहाँ ऐसे डबल इंची टेप को करेंगे तो आएगा 22 इंच, तो हमें यहाँ से 22 इंच अपना इंची टेप को रखना है। यहाँ से हम अपने कुर्ते की चौड़ाई 22 इंच 22 इंच लेंगे। जब 22 इंच का मार्क आया यहाँ हम एक निशान लगा लेंगे। और उस निशान को हम ये जो कमर वाला निशान हमारा आया था यहाँ से यहाँ मिला लेंगे। ये मेरे पास डबल कपड़ा है तो ये हमारी 2 कटिंग होगी। अब हम कर्व वाले स्केल से इन निशानों को मिलाएंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे, यहां से हम इसको निशान लगा लेंगे सीधा। अब हम इस पार्ट को उठाकर इस वाली साइड रख देंगे और अपनी 2 कलियां इस तरफ से बना लेंगे। अब हम इन कलियों के ये नीचे वाले कोनों की कटिंग करेंगे। उसका तरीका ये रहेगा हमारा
कि जितना हमारे पास यहाँ से लंबाई है गले के पास हम इंची टेप को रखेंगे एकदम गले के पास में, और हमारी जो लंबाई है 45.5 तो यहाँ से भी हम 45.5 पे निशान लगा देंगे और उसको ऐसे आपको बराबर काटना है तो आप 45 इंच पे आप ऐसे निशान लगाते जाइए गले के पास से। अब हम इस पार्ट की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से हमारी ये इक्वल पार्ट हो जाएगा। थोड़ा हमें इसमें भी कटिंग करना होगी तब हमारा ये इक्वल होगा। अब हम इसमें यहाँ पे लूप लगाएंगे तो उन लूप का निशान हमें लगाना है। तो सबसे पहले यहाँ से हम 30 इंच कमर इंच लंबाई से 2 इंच ऊपर की तरफ हम यहाँ पर लूप लगाएंगे। तो हम 3-4 लूप लगाएंगे सीट गोलाई तक। ये हमारे सीट का नाप है और ये हमारी कमर का 2 इंच ऊपर वाला हिस्सा है। तो यहाँ पर हम 3-4 लूप लगाएंगे। हम 2.25 इंच की दूरी पर लूप लगा लेंगे। तो हम चाहे तो यहाँ पर निशान लगा लेते हैं टेलर चौक से इस तरफ भी और इस तरफ भी, और हम अपने ये कलर की डोरी बनाकर उससे हम लूप बनाकर लगाएंगे। उसके बाद हम कलियां जोड़ेंगे। अब हम इसकी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। मैं इसमें आधी बॉर्डर को यूज करूंगी। पूरी बॉर्डर यूज करूंगी तो बहुत चौड़ी हो जाएगी, तो मैं यहाँ से कट कर लूंगी इस कपड़े को ना, और यहाँ से अपनी जो स्लीव्स है उसमें 1/2 इंच ऐसे ले लूंगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा चौड़ी बॉर्डर है तो स्लीव्स भी इतनी अच्छी नहीं लगेगी। तो हम जैसे हमारी स्लीव्स 18 इंच है 18, तो हम 19.5 इंच ले लेंगे और फिर अपनी स्लीव्स को बना लेंगे। इसके लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं स्लीव्स ड्राफ्टिंग एंड कटिंग विद कर्व्ड स्केल। इस स्केल से मैंने बहुत आसान तरीके से आपको स्लीव्स बनाना उसमें बताया है। ये हम अपनी वीडियो के नीचे आप इसका लिंक देख सकते हैं। अब हमने ये कुर्ते का नेक कंप्लीट कर लिया है। हाउ टू मेक कुर्ता नेक वाला वीडियो देख सकते हैं और उसके अकॉर्डिंग आप अपना ये नेक को कंप्लीट कर सकते हैं। अब हम यहाँ साइड में जो हमने ये मार्क किए थे यहाँ पर हम ये लूप बनाएंगे। लूप बनाने के लिए हमने पहले डोरी बना ली है और उसको छोटे छोटे से टुकड़ों में हमने कट कर लिया है। अब हम पहले ये जो हमने मार्क किए थे सेम हम इस तरफ भी कर लेंगे और यहाँ से ऐसे ऐसे और ऐसे इस तरह से मार्क लगा दीजिए दोनों साइड। ऐसा ही हम बैक में भी करेंगे। अब हम ये लूप्स को लगाएंगे। ये लूप हमने डोरी बनाकर लगाया है। डोरी बनाकर उसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लिए जितनी हमें ज़रूरत है। अब हम इसको यहाँ ऐसे सिलाई लगा लेंगे। पहले सिर्फ इन लूप्स को हम पकड़कर यहाँ पर इनके साथ ऐसे हर निशान पर एक एक लूप रखकर सिलाई लगा लेंगे। ये साइड भी हमने लूप की सिलाई लगाकर तैयार कर लिया। अब हम यहाँ से ये वाली कलियों को जोड़ना स्टार्ट करेंगे। इस जोड़ते वक्त आप ध्यान रखें आप ये सीधी साइड जोड़ें, ये शेप वाली साइड आपकी फिटिंग वाली साइड होगी, और उल्टे सीधे का भी आप ध्यान लगाएं और यहाँ से पकड़कर पूरी इसको नीचे तक सिलाई लगा लें। ऐसा ही आप चारों कलियों को लगाकर कंप्लीट कर लें। अब हमने ये साइड्स की कलियों को जॉइंट कर लिया है। ये साइड भी चारों साइड हमने इस कलियों को आपस में जॉइन कर लिया है। अब हम ये फ्रंट वाले आर्महोल की हमने जब कटिंग करी थी तब उसकी आर्महोल की कटिंग नहीं करी थी, अब हम इस आर्महोल की कटिंग करेंगे। ये हमारा निशान है, इसको हमें बस यहाँ ऐसे ही मिला देना है और इसकी कटिंग कर लेना है। हर तरफ से आप ध्यान रखें कि आपका कपड़ा इक्वल हो। अब हम इसमें स्लीव्स जोड़ लेंगे। इसके लिए भी आप मेरा वीडियो देख सकते हैं हाउ टू मेक कुर्ता स्लीव्स
उससे आप, मैंने स्लीव्स जोड़ने का तरीका बताया है कि आप स्लीव्स को किस तरह से जोड़ेंगे। अब हमने ये स्लीव्स जॉइंट कर लिए है, अब हम इसको फिटिंग देंगे। फिटिंग देने के लिए हम पहले इसको सीधा रख के ऐसे सिलाई लगा लेंगे और हम एकदम किनारे सिलाई लगाएंगे। उसके बाद हम इसको पलट कर सिलाई लगा देंगे ताकि ये सारे थ्रेड है वो अंदर की तरफ चले जाएंगे। और इसको हमें पूरी सिलाई लगानी है, इसमें स्लिट नहीं खोलना है हमें, तो एक जैसी हमारी सिलाई लग जाएगी। तब हमने इसकी साइड्स में ये सिलाइयाँ लगा ली है पूरे में। इसको हमें बहुत फिट तो करना नहीं है, थोड़ा लूज ही रखना है, तो मैंने बहुत कम कम ही इसको सिलाई में ले आया है। यहाँ पर हम इंटरलॉकिंग कर लेंगे, स्लीव्स पर भी हम इंटरलॉकिंग कर लेंगे। अब हम इसे सीधा करेंगे। अब हमने इसको, ये कुर्ते को सीधा कर लिया है। अब हमारा कुर्ता कुछ इस तरह से दिखाई देता है। अब हम इसमें ये डोरी बनाएंगे और इस डोरी को हम इन लूप्स में डालेंगे। ये डोरी बनाने के लिए आप मेरा वीडियो देख सकते हैं, हाउ टू मेक डोरी, और इसके में सभी चीज़ों के लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, तो आप वहां पर क्लिक करके देख सकते हैं। अब हम ये डोरी को इन लूप्स में डालना स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसको किसी सेफ्टी पिन में डालेंगे और सबसे ऊपर वाले में पहले स्टार्ट करेंगे डालना। आप अगर इनमें कुछ लूम्स, लटकन वगैरह कुछ भी लगाएंगे नीचे, तो वो पहले इनको, डोरी को इसमें डाल लें फिर लगाएं। और अब हम इस डोरी को बिल्कुल इक्वल दो पार्ट में कर लेंगे बराबर से। इस जगह पर आप देखिएगा आपकी दोनों पार्ट्स ऐसे रहें और आप उनको ऐसे कर लीजिए। अब हम इस क्रॉस में डालेंगे, आप इसको फ्रॉक को इस तरह से कर लीजिए और इसको हम यहाँ से इसमें डालेंगे, अपोजिट हमें डालना है। और इस वाले को हमें इसमें डालना है। वैसे ये इसमें आसानी से डल जाते हैं, अगर आपके लूप्स छोटे बन जाए तो आप किसी सेफ्टी पिन की मदद से इन्हें डाल दीजिए। अब हम इस वाले को यहाँ डालेंगे, क्रॉस हमें बनाना है। और ऐसा ही हम ये वाले में करेंगे। इसको हम इसमें और इसको हम ये लास्ट इसमें। अब हम इसमें नीचे कुछ भी लूम से, कपड़े के लूम बनाकर कुछ भी बनाकर लगा लेंगे। और फिर जब हम पहनेंगे तब इसको हम थोड़ा फिटिंग दे सकते हैं इनको ऐसे टाइट करके। और आपको फिटिंग नहीं देना है तो आप इन्हें ऐसे ही लूज रहने दीजिए। और ऐसे ही डोरी आप दूसरी वाली साइड में भी डाल दीजिए। इस तरह से हमारी ये एक डिजाइनर कुर्ती कंप्लीट होती है। नीचे से हम इसको फोल्ड कर लेंगे। नीचे से कोई भी कली वाले कपड़े को फोल्ड, अनारकली फोल्ड करने का तरीका ये रहता है कि आप उसे पहले सिंगल फोल्ड करिए, फिर उसके पहले ऐसी सिलाई लगा लीजिए पूरे में, उसके बाद आप इसे फोल्ड करके सिलाई लगाइए, तो आपकी सिलाई फिनिशिंग से आएगी। इस तरह से हमारी कुर्ती कंप्लीट होती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।